आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम जो भी आए, लेकिन प्रचार के दौरान भाजपा और सीटी कांड पर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र भारी पड़ता नजर आया। कई खेमों में बटी कांग्रेस को उबारने में दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव ने सबसे महती भूमिका अदा की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बने सीडी और स्टिंग ऑपरेशन कांड से पार्टी को उबारने में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका रही। सीडी और पीएल पुनिया के खिलाफ साजिश के स्टिंग ऑपरेशन को भाजपा ने मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के सीडी कांड में जेल जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस का इस बदनामी से उबरना मुश्किल होगा, परंतु एन वक्त पर पार्टी हाईकमान का नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव को चुनावी कमान सौंपना दूरगामी निर्णय साबित हुआ। बेहद कम समय में टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बढ़ाया ही, साथ ही आम पार्टी और वोटरों में नई आशा भी जगाई। दरअसल चुनाव से 4 महीने पहले से टीएस सिंहदेव ने 1,00,000 लोगों से संपर्क कर जन घोषणा पत्र बनाने के लिए प्रदेश भर में सभी लोगों से मिलकर संपर्क किया और जन घोषणा पत्र तैयार किया। उनके इस प्रयास और पहल का बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। चुनाव से पहले तक कांग्रेस के प्रति अविश्वास और निराशा को इस जन घोषणा पत्र ने विश्वास और आशा में बदल दिया। कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, लेकिन इस चुनाव ने छत्तीसगढ़ को एक बेहतरीन नेता टीएस सिंहदेव के रूप में दिया है, जिसकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।